हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लर्निंग। आई एम खुशी एंड टुडेज टॉपिक इज़ फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैंने यहाँ पे 10 फैक्टर्स लिख रखे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है एनवायरनमेंट, कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा है। एक अच्छा एनवायरनमेंट है, सेफ एनवायरनमेंट है, तो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज जो है उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। देन है लव एंड अफेक्शन, इसमें एक पॉइंट है पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, मीन्स चाइल्ड और पेरेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं चाइल्ड के साथ, वो स्ट्रिक्ट तो नहीं है, ज़्यादा मारपीट तो नहीं करते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो सकता है, नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। देन है प्ले एंड एक्सरसाइज, उसमें एक पॉइंट है स्लीप एंड रेस्ट। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि काफ़ी लोग कहते हैं हमें अच्छे से सोना चाहिए, रेस्ट अच्छे से करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज करने से हम फिट रहते हैं। स्कूल में भी काफ़ी प्लेइंग एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज कराई जाती है बच्चों के लिए, वो किस लिए करवाई जाती है, ताकि उनका अच्छे से ग्रोथ हो सके, उनका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो सके। देन है फूड, कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे हमारे ग्रोथ और इफेक्टिव ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। देन है सिक्योरिटी, कि बच्चा जो है वो सिक्योर फील करता है या नहीं। देन है हेरिडिटी, हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनका भी काफ़ी असर पड़ता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। आप देखते हैं कि बच्चा जब चाइल्डहुड से एडोलेसेंस की एज में जाता है तो क्या है, हॉर्मोन्स जो डिसबैलेंस होते हैं, तो आप देखते हैं कि बॉयज़ में कुछ चेंजेस देखते हैं, कि उनके वोकल कॉर्ड यानी कि वॉइस जो है चेंज हो जाती है, थोड़ी साउंड जो है उनका वो भारी हो जाता है, और मूंछेज और बियर्ड अपियर होने लगते हैं। गर्ल्स में मैंसुरेशनल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो वो किस लिए होता है, वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो वो भी अफेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। देन है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, काफ़ी लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, जो सोशल स्टेटस है हमारा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो इफेक्ट नहीं करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, ये बिल्कुल गलत बात है, ये भी करता है। आप खुद से सोचो, एक बच्चा अमीर है, कोई बच्चा गरीब है, तो जो गरीब वाला बच्चा है उसके मन में क्या हो जाएगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा, हीन भावना आ जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं उसके मेंटल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट करेगी, देन उसके फिजिकल पे भी करेगी और उसके सोशल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट करेगी। दैट्स मीन कि अगर कोई भी फैक्टर हमारे एक डेवलपमेंट पे प्रभाव डालता है, एक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं सारे डेवलपमेंट को, ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये हमारे अफेक्ट नहीं करता, ये भी करता है। आप जानते ही हैं कि हमारे जितने भी डेवलपमेंट है, हमारे सोशल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो कोई भी अगर फैक्टर एक डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, सबको अफेक्ट करेगा। देन है पॉवर्टी, मीन्स गरीबी, कि गरीबी की हालत होगी तो वो ना तो अच्छी एजुकेशन गेन कर पाएगा, ना अच्छे से रह पाएगा, ना अच्छा खाना खा पाएगा, तो वो भी उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट करेगा। देन है रिलीजन, कास्ट एंड कंट्री, आप देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं काफ़ी गरीब कंट्रीज, जैसे नाइजीरिया वगैरह हो गए, तो वो क्या है, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, वहाँ पे ना तो खाने के लिए कुछ, ना मतलब अच्छी कंडीशन नहीं है। ऐसे ही हमारे रिलीजन्स एंड कास्ट है, कि बहुत सारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ होती हैं काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन्स कास्ट में, तो उनका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। देन है फैमिली, फ्रेंड एंड नेबरहुड, मीन्स के जो फ्रेंड सर्कल है वो आपका कैसा है, अगर फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होगा तो उसका भी अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, अगर फ्रेंड सर्कल बेकार है तो उसका प्रभाव फिर नेगेटिव पड़ेगा हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, मीन्स संगति का असर। वो वाली बात है कि आपको अच्छे फैमिली, अच्छा फैमिली, अच्छे फ्रेंड मिल रहे हैं, अच्छा नेबरहुड मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है होता है। तो ये थे आज के हमारे 10 फैक्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।